दरोडेखोरांनी गुरुवारी विविध ठिकाणी किमान 6 महिलांना लक्ष्य करत चेन स्नॅचिंग करण्यात आली होती. चेन स्नॅचिंगच्या मालिकेने शहर पोलीस हाय अलर्टवर ठेवले होते. याबद्दल आज CP रवींद्र सिंगल यांनी माहिती दिली. सोबतच नागपुरातील गुन्हेगारी, ट्रॅफिक, अपघातावर नियंत्रण आणि येणाऱ्या निवडणुकीसंदर्भात नागपूरचे CP यांनी शहराचा आढावा घेतला आणि सर्वेद्वारे माहिती घेऊन त्यावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती आज पत्रपरिषद घेऊन दिली. 28 आणि 29 तारखेला काही घटना घडली होती शहरात आणि त्या अनुषंगाने थोडंसं लोकांमध्ये होता की काय होतो आहे. तर 28 6 चेन स्नॅचिंग झाली होती, रिकवर झालेली आहे. तसेच त्यांनी जे गुन्ह्यात मोटरसायकल वापरली होती ते सगळे असा मिळून 5,32,000 माल जप्त त्यांनी केलेलं आहे आणि ते दोन्ही आरोपी आमचे ताब्यात आहे. तर याच्यासाठी आमची क्राईम ब्रांच आणि पोलीस स्टेशन सगळे त्याचे मागे होते आणि वरिष्ठ अधिकारी आमची सगळ्यांची त्याच्याबद्दल वेळोवेळी चर्चा झाली. देखिए, एक तो सबसे जैसे मैंने आपको बताया कि एक केसेस हम लोग दाखिल कर रहे हैं तो उससे एक ये होगा ओवर स्पीड जो है वो रुके लोग तो उसके लिए हमने स्टॉप लाइन का वो एक शुरू कर रहे हैं. पूरा सर्वे हमने करवा लिया फॉर आपके माहिती के लिए. आज शाम को मेरे पास में DCP का पूरा सर्वे आ जाएगा जिसमें उन्होंने देखा कहाँ कहाँ पे मार्किंग्स नहीं है, कहाँ कहाँ पे सिग्नल्स बंद हैं, कहाँ कहाँ पे और कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो आज आ जाएंगे हमारे पास में. और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि सेव लाइफ की तरफ से हमने पूरा का पूरा जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 5 साल में वो पूरा डेटा उनको दिया, उनकी भी रिपोर्ट आने वाली है हमारे पास में. तो ये सारी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग पब्लिक में अवेयरनेस आपके थ्रू जाएंगे. जो इसमें काम करना चाहते हैं उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और शाड़ा में जो हमारा RSP का बंद है तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं, उसमें भी हमारी मीटिंग हुई है. तो स्कूल में जाके बच्चों को भी बताएंगे, एक बार मैसिव अवेयरनेस करेंगे तो मुझे काफ़ी लगता है कि उसमें इम्पेक्ट होगा. इंशाल्लाह एक्शन हम लोग कर रहे हैं और कोई भी एक्सीडेंट होता है जैसे आप इनफेक्ट आप लोगों ने भी बहुत अच्छा उसको दिया था जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई थी जो एक महिला गाड़ी चला रही थी. तो इस तरह के जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको हाई प्रोफाइल बोले या कैसे बोले तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और हर एक केस में हम लोग पर्सनली देख रहे हैं कि उसकी एविडेंस जो है उसमें क्या क्या है. अगर वो दारू पिए हुए है क्या, उसके कुछ गाड़ी का कुछ इशू था, प्रॉब्लम थी क्या, ओवर स्पीड कर रहा था क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं. तो ऐसे नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, डेथ होगी, पंचनामा किया और ख़त्म. इसमें RTO का क्या रोल है उनको बताया जाता है, उनकी तरफ से लिए देते हैं और उसका लाइसेंस से लेके सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं.